हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने बेबी जैकेट, बेबी कैप्स, बेबी ब्लैंकेट बनाने हों तो ये पैटर्न और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप चाहें तो बेबी स्वेटर, लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन में भी ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं फ्रेंड्स आज आपके साथ ये डिज़ाइनर स्टिचेस कास्ट ऑन करना भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पैटर्न है, इसके लिए हमें इवन नंबर के मल्टीपल्स में जो है स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। इसमें हम इवन नंबर में स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं स्टिचेस कास्ट ऑन करना और इस पैटर्न को बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं 9 नंबर की नीडल यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं वूल लूंगी। आपने जितने भी स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं उसके हिसाब से आपने वूल को इस तरह से डबल और ट्रिपल टाइम इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जिस साइड मेरा सिंगल धागा अटैच होता है उस साइड से, ये देखिए, अब मैं इसके बीच से इस तरह से एक स्टिच बनाऊंगी, ये देखिए, और इसको यहाँ पर इसी तरह से रहने दूंगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को हमने यार्न को इस तरह से खींचना है। अब मैं इस थंब के इस तरह से टर्न करके नीडल को इसके अंदर लूंगी और दूसरे थ्रेड को इस तरह से नीडल के ऊपर लेके यहाँ पर वन स्टिच कास्ट ऑन करूँगी। अब थंब को हम इस धागे के अंदर से इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बाहर की तरफ मैं नीडल डालूंगी। दूसरे थ्रेड को इस तरह से नीडल के ऊपर लेकर इस तरह से खींच लूंगी। तो ये देखिए, अब मैं अगेन थंब को इस तरह से अंदर से लूंगी और यहाँ पर एक स्टिच को कास्ट ऑन करूंगी। दूसरी टाइम मैं थंब को अंदर की तरफ से लूंगी और दूसरी साइड से नीडल इस तरह डाल के यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच कास्ट ऑन करूंगी। इस तरह से आप जितने भी स्टिचेस चाहें कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से यहाँ पर 12 स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो इस पैटर्न में ये जो साइड है ये हमारी फ्रंट साइड है और दूसरी साइड हमारी बैक साइड है। जो फर्स्ट रो है हमारी वो पर्ल वाली रो आएगी। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसका बॉर्डर तैयार करूँगी। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पर 6 रोज जो हैं पर्ल करनी है सारी। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से 6 रोज सारी पर्ल करूँगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पैटर्न डालना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी 6 रोज मैं यहाँ पर पर्ल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे पैटर्न बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 6 रोज का बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने एक बैक रो भी पर्ल की कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमारा राइट साइड से आएगा तो मैंने इसकी बैक रो भी कंप्लीट कर ली है। तो ये जो पैटर्न है ये हम राइट साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे और ये हमारा 2 रोज का पैटर्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैटर्न को बनाना। तो रो 1 में राइट साइड से, तो फर्स्ट स्टिच में यहाँ पर मैं जो है इस तरह से नीडल डालूंगी और यहाँ पर दूसरे कलर की जो हमारी वूल है उसको इस तरह से फोल्ड करके लूंगी और यहाँ पर हम वूल चेंज करके फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट स्टिच बुनने के बाद हम सेकंड स्टिच के यहाँ बीच में इस तरह से नीडल डालेंगे और इस तरह से
एक लूप उठाएंगे। तो अब इस स्टिच को हम बिना बुने ही दूसरी नीडल पे ले लेंगे। अब अगेन हमने ये जो स्टिच है इसके साथ में जो थ्रेड है उसके बीच हमने इस तरह से नीडल डालनी है। ध्यान रखिएगा इसके बीच में नहीं डालनी है, इसके साथ वाले होल में हम इस तरह से नीडल डाल के एक लूप उठाएंगे, ये देखिए। और नेक्स्ट वाले स्टिच को हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगेन हमने नेक्स्ट वाले स्टिच के, ये देखिए, इस तरह से यहाँ से एक लूप उठाना है और नेक्स्ट स्टिच को इस तरह से ट्रांसफ़र करना है। अब अगेन हमने नेक्स्ट स्टिच के आगे से इस तरह से एक लूप उठाना है और इस स्टिच को सीधा बिना बुने ट्रांसफ़र करना है। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से एक लूप उठाना है और इसके साथ के स्टिच को बिना बुने दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब यहाँ लास्ट में भी ये देखिए, ये लास्ट में हमारा स्टिच है, सेकंड लास्ट स्टिच के यहाँ पे हम नीडल डालेंगे और यहाँ से भी हम एक लूप को उठाएंगे। तो ये देखिए लास्ट के स्टिच को हम सीधा दूसरे कलर के धागे से सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से हमने जो है रो वन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रो टू पे आते हैं। रो टू में फर्स्ट स्टिच को हम पर्ल करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो टू स्टिचेस हैं, यहाँ पर इन टू स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है इस तरह से, ये देखिए। तो ये जो लूप है और इसके साथ जो स्टिच हमने स्किप किया है, इन टू स्टिचेस का हम यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे। ये देखिए पूरी रो में हमने इसी तरह से टू स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। ये देखिए ये लास्ट का स्टिच है, इसको हम सिंपल पर्ल करेंगे। इस तरह से हमारे इस डिज़ाइन की जो है लुक आएगी। अब हम यहाँ पर वापस से वाइट कलर का धागा लेंगे। फर्स्ट स्टिच को हमने वाइट कलर के धागे से सीधा बुनना है, ये देखिए। अब हमने वापस से इस स्टिच के बीच में नहीं डालनी है, इसके साथ हमने ये जो होल है यहाँ पर हम इस तरह से नीडल डालेंगे और एक लूप को उठाएंगे, साथ वाले स्टिच को स्लिप करेंगे। अगेन हमने यहाँ से एक लूप उठानी है और साथ वाले स्टिच को स्लिप करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि धागा आपने इक्वली खींचना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना वो अच्छा नहीं बनेगा। अब अगेन हमने यहाँ से एक लूप उठानी है और नेक्स्ट स्टिच को स्लिप करना है। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट वाले स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से हमारी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। अब बैक वाली रो में फर्स्ट स्टिच को हम पर्ल करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिचेस को हमने इस तरह से पर्ल करना है। नेक्स्ट टू स्टिचेस को अगेन हमने इस तरह से पर्ल करना है और नेक्स्ट टू स्टिचेस को हमने अगेन इस तरह से पर्ल करना है। तो ये पूरी रो जो है हमने सेम उसी तरह से रो टू की तरह कंप्लीट करनी है। सारे स्टिचेस हमने दो का एक करके पर्ल करने हैं और लास्ट का एक स्टिच जो बचेगा उसको हम अकेले को पर्ल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस पैटर्न की लुक इस तरह से आएगी। तो आपने ये इसी तरह से इस पैटर्न को आगे डालते जाना है। आप चाहें तो मल्टी कलर की वूल भी यूज़ कर सकते हैं, घर में जो वेस्ट वूल होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न की लुक यहाँ पर इस तरह से आएगी और जो बैक साइड है इस पैटर्न की वो इस तरह से आएगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।